मैं अभी फिलहाल तीनबती मोड़ सिलगुड़ी का तीनबती मोड़ में पूजा देखने के लिए आ रखा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ का आदमी लोग का भीड़, अंदर में घुसने के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं बाहर से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये है तीनबती मोड़ का गोल्डन टेम्पल बनाने की कोशिश किया है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। हाय गाइस, सबको हैप्पी दशहरा और हैप्पी दुर्गा माँ की कृपा सब में बने रहे। और ये है तीनबती मोड़ का मेला और पंडाल पूजा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। सीनियर सिटीजन के लिए भी ये जो बैठने के बंदोबस्त किया गया था, और प्लस एम्बुलेंस का फैसिलिटी, खाने पीने, वही एक पूजा में बंगाल में, और सबसे बड़ा पूजा तो बंगाल में ही मनाया जाता है। और इसके बाद में फिर हम दूसरा जगह है वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। और ये सीनियर सिटीजन आप देख सकते हैं, देख लीजिए बच्चे लोग काफ़ी एंजॉय। तो अभी मैं फिलहाल ये नियर जलपाई मोड़ के सामने में, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आदमी का भीड़। अब ये दुर्गा पूजा मनाने के लिए पंडाल के अंदर में मैं नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जगह में विजिट करना है, बहुत ही लेट हो रहा हूँ। मैं हर जगह का दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है, आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे, ये देखा दे रहा है आपको लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप देख लीजिए। और साथ में मम्मी और लड़का भी है। तो दोस्तों, ये है मेरा लड़की, मेरा परिवार, पूरा परिवार के साथ में मैं घूमने गया था। और ये भीड़ इतना था, अभी मैं अंदर घुसने के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैंने और दूसरा जगह भी अटेंड करना था। ये है जलपाई मोड़ का पंडाल, और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी चल। सब लोग काफ़ी उत्साहित थे वो दुर्गा माँ के आशीर्वाद लेने के लिए, बच्चे लोग, बूढ़ा लोग, पूरा परिवार आए थे वो दुर्गा माँ के। और यहाँ पे मेला भी देख सकते हैं, सब पंडाल, सब पूजा काफ़ी अच्छी ढंग से सजाए गए थे और काफ़ी सुंदर बनाया था। और उसमें से सबसे स्पेशल लगा मेरे को ये जो बम्ब का क्राफ्टिंग करके और ये बनाया गया था, टोटली आपको बता दूं कि टोटली बम्बू से बनाया गया था, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था वहाँ का। यह मैं म्यूट इसलिए कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, वो कॉपीराइट का क्लेम हो जाता है, इसलिए मैंने, ये मेरा लड़का है और लड़का बोल रहा कि मेरा मम्मी को भी आ जाओ आ जाओ दादी माँ हमारे साथ में भी फ़ोटो ले लो, इसलिए मम्मी भी फ्रेम में आ गया है। अभी मेरा मम्मी भी काफ़ी इन्जॉय किया है उन लोग का साथ का। ये देखो पीछे साइड में जो देखा जा रहा है, ये पूरा टोटली बम्बू क्राफ्टिंग है, बम्बू का है। आप सुंदर इतना देखा, एक छोटा छोटा इतना बारीकी से बनाया गया था, एकदम ही सुंदर तरीका से बम्बू का, टोटली एकदम बम्बू और कुछ पत्ता वगैरह का, एकदम टोटली एकदम सोचा जाए तो एक इसको मैं 100 में से 110 दूंगा। ये जो जितना भी ये किया था, जो क्राफ्टिंग किया गया था, बहुत ही सुंदर तरीक़े से सजाया गया था इसको, एकदम सुंदर, सबसे वर्ल्ड में से ये अभी हेरिटेज में गिनती आ गया है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में इसमें से एक नंबर वन में ये निकल रहा हूँ। ये काफ़ी टोटली बैम्बू से बनाया हुआ था और टोटली हैंडीक्राफ्ट का, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़ारा, बहुत ही सुंदर। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मैं दुर्गा माँ से यही प्रे करना चाहता हूँ कि आपको परिवार को सुखी रखे और आपका पूरा परिवार अच्छा अच्छा फ्यूचर में अच्छा अच्छा काम करे। और उसके बाद में मैं यहाँ से काफ़ी जगह घुमा हूँ, लेकिन मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि पूरा परिवार मेरा साथ में था और काफ़ी क्राउड था, तो मैं इतना वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 11-12 इधर पहुँचते, घर में पहुँचते पहुँचते 11-1 बज गया था। तो दोस्तों, आज का इतना ही है, और कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कहाँ का मेरा कमी है। और मैं पूरा फुली का कैमरा सेटअप के साथ में नहीं गया था, और मैं
इसे नॉर्मल मोबाइल से ही वीडियो बनाया था। और एक जगह दिखाऊंगा आपको, ये टाइटैनिक का भी, टाइटैनिक का पूरा थीम बना करके, ये भी काफ़ी अच्छा था। तो ये सब अच्छा लगा मेरे को देख के। कैसा लगा? এবং আরো অনেক কিছু।